अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। तो तीन चार दिन के अंदर तीन चार डेड बॉडियाँ मिल गई जो हमने परिवार के हवाले कर दी हैं, और आज फिर हम अपने काम पे निकले हैं। इस टाइम हम सराय बंजारे खड़े हैं, और ये रेवने वाला साइफन है, जिला फतेहगढ़ साहिब के अंदर पड़ता है। यहाँ से डेड बॉडियाँ देखते देखते हम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तक जाएंगे, उधर फिर घूमते पटियाले तक जाएंगे, और पटियाले से हम चले थे। तो साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैं कैसे और कहाँ कहाँ घूमता हूँ, और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। और एक ये झाल पड़ती है मेरे पीछे, आप देख रहे हो झाल है, ये नहर के नीचे से नहर निकलती है जैसे, तो मैं इसके बारे में आपको दिखाऊंगा सारा। ये एक अंडरग्राउंड ब्रिज है जो नहर के नीचे से नहर निकल रही है ऐसे, और अक्सर यहाँ पे जितनी भी डेड बॉडियाँ आके यहाँ पे रुक जाती हैं, और ये पानी दिल्ली के लिए जा रहा है। इसको नरवाना ब्रांच लिंक नहर कहते हैं, और ये सारा पानी यहाँ से दिल्ली के लिए जाता है। और मेरे साथी गोताखोर मेरे साथ है, और ये ऊपर से एक दरिया निकलता है पुराना, जब बाढ़ आती है ना पुराने टाइम के अंदर कोई बाढ़ वगैरह आती है तो उस टाइम ये दरिया इसके ऊपर से निकलता है, नीचे से भागड़ा नहर है, और वहाँ से अंडरग्राउंड हो जाती है। इसके बारे में आपको ज़रूर दिखाऊंगा सारा उस तरफ जाके। ये देखो ये पुराने ज़माने के पुल हैं, पहले जो अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए थे, जिस टाइम इस नहर का निर्माण हुआ था तो उस टाइम ये पुल बनाए गए थे। भागड़ा नहर जो है इसके नीचे से निकल के और इस साइड निकल रही है। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे, यहाँ पे पानी नीला है और बिल्कुल साफ और स्वस्थ पानी है, और इस तरफ देखो ये पानी काला और गंदा है, क्योंकि ना ऊपर ही दरिया है बहुत पुराना। मैं अब आपको उस साइड से भी दिखाऊँ जिधर से पानी आ रहा है, और अक्सर हमारे यहाँ नंबर लिखे होते हैं फ़ोन नंबर, ताकि कोई डेड बॉडी आए तो हमें कोई कॉल कर दे बंदा। अभी मैं वो नंबर भी दिखाऊँगा आपको अपने। हाँ, अब मैं उस साइड जाता हूँ, आपको उस साइड का सारा नज़ारा दिखाऊँगा। ये देखो ये दरिया होते हैं पुराने टाइम के, जो दरिया थे वो है ये, और ये बहुत बड़ा दरिया है। देखो कितना चौड़ा है, इधर से आ रहा है चंडीगढ़ की साइड से, और हिमाचल प्रदेश से दरिया आता है सारा। और परली तरफ हमारा साथी गोताखोर भी खड़ा है, सादिक अंसारी। हम स्कूटरियों के ऊपर ये सारे रूट करते हैं। इन दीवारों पे जो ये नंबर लिखे हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये नंबर हमारे हैं, और ये साथी गोताखोर है हमारा, सादिक बैठा है यहाँ पर स्कूटरी के ऊपर। ये देखो ये देखो ये हमारे नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, और ऐसे ही काम तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, जितने भी हमारे जान पहचान वाले हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वीडियो। तो यहाँ आपने चेक कर लिया भाई, कुछ है इधर? नहीं, इधर कुछ नहीं है, अल्लाह खैर करे। हम चाहते नहीं कोई मरे या हमारे को उनकी लाशें मिले। देखो ऐसे ही यहाँ से देखो भागड़ा नहरारी में दिखाना चाहूंगा आपको इधर से, और यहाँ आके देखो ये पानी अचानक सारा गैप हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। ऊपर आप देख रहे हो पहली तरफ गंदा पानी है, और ये नीला और साफ पानी है। ये देखो अक्सर यहाँ पे डेड बॉडियाँ रुकती हैं दोस्तों, हम यहीं पे आके उन डेड बॉडी को देखते हैं, और यहाँ से ढूंढते ढूंढते अब हमारा जो सफ़र है आगे तक है जितना भी, अब क्योंकि जंगल काफ़ी हद तक मनरेगा वाला ने साफ़ कर दिया। पहले बहुत सांप सूंप यहाँ पे जंगल बहुत था, यहाँ पहले देखते हो कितनी वीडियो में देखा आपने, बहुत जंगल था, लेकिन अब सफाई हो गई। अभी हमारा जो सफ़र है वो बहुत लंबा है, 20-25 किलोमीटर और हम जाएंगे अभी आगे। तो चले भाई सादिक भाई आगे का सफ़र तय करें। तो ये देखो यहाँ पे भी देखो ये हमारे नंबर लिखे हुए हैं, हम यहाँ पे अक्सर जगह जगह पे अपने नंबर लिख रखे, आशु गोताखोर लिखा है पंजाबी के अंदर ही, और ये हमारे सिलेंडर वगैरह हम साथ लेके चलते हैं जो काम पे जा रहे हैं, देखो हमारे सिलेंडर हैं। और अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा गया था, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रह करो, और जो भी जानकारी है नहर से जुड़ी, जो नहर संबंधित है, हम आप तक जरूर पहुँचाते रहेंगे। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है आशु मलिक गोताखोर, एक फेसबुक चैनल है आशु मलिक गोताखोर, और इंस्टाग्राम पे भी आशु मलिक गोताखोर, तीनों जगह पे जाके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहो। धन्यवाद साथियों, हम अपना सफर आगे जारी रखते हैं।